हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिलोनी ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक आने से पहले अगर आप कार से आ रहे हैं तो बहुत बड़ा एक इशू होता है कि कार पार्क कहाँ करेंगे। हम बहुत बार सोच के रह गए चांदनी चौक आने से पहले यही सोच के कि कार पार्क कहाँ करेंगे, तो बड़ा इशू हो जाता है उस चीज़ का। तो अभी यहाँ पे एक नया खुल गया है, अब इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओमेक्स मॉल एक यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है, तो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। और अभी यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी, क्योंकि अभी यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि यहाँ पर ये खुल गया है। बट बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, आप जाइए चांदनी चौक और कार लेके जाइए पार्किंग के बिना टेंशन के। चांदनी चौक की पराठे वाली गली तो आप सबने सुनी होगी, तो हम पहुंच गए उसी गली में और यहाँ पर मिलते हैं चांदनी चौक के फेमस पराठे। यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे पराठे सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लगा के नहीं बना दिए जाते, यहाँ पे भरवा पराठे बनाते हैं पूरा का पूरा तेल में डुबो के। तो ये मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे इस तरह से कुछ पराठे बनते हैं। और यहाँ पे इन्होंने पूरा स्टफिंग रखी हुई है हर एक पराठे की बना के ऑलरेडी, और यहाँ पे पराठे ये तल रहे हैं पूरा पकौड़ों की तरह इनको। और यहाँ पे साथ में हमें मिल जाता है अचार और आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, मीठी चटनी, हरी चटनी, आलू की दो तरह की सब्जियाँ मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो अभी हमें इस तरह से प्लेट लगा के दे देते हैं और हमारा पराठा बन के आएगा गर्मा गर्म। यहाँ पे खोया भी पहुँच चुका है, खोए का पराठा भी मिलता है यहाँ पे। और बहुत भीड़ होती है यहाँ, बहुत बड़ा कोई रेस्टोरेंट नहीं है इनका, एक छोटी सी दुकान में इन्होंने ये चला रखा है। और अभी हमारा यहाँ पे पराठा बन के आ गया गर्मा गर्म, आहा दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब खा के देखते हैं। खा के भी हमें हाँ मुझे तो ठीक लगा, मतलब ऑयल बहुत ज़्यादा है अगर हेल्थ वाइज देखे तो। और हमने एक खुरचा पराठा ऑर्डर किया, तो ये हमारा इस शेप में खुरचा पराठा बन के आया है। अब इसको देखते हैं ये कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म है एक तो, क्योंकि पूरे तेल में से एकदम डायरेक्ट निकल के आया है ये। और यहाँ पे इतने सारे टाइप के आपको पराठे मिल जाते हैं यहाँ पे, रबड़ी पराठा, किशमिश पराठा, एवन ये सब मेवा पराठा, चीनी पराठा, काजू पराठा, टमाटर पराठा। तो ये हमारा खुरचा पराठा था, ये कुछ मावे जैसा इसमें स्टफिंग है, तो ये थोड़ा मीठा मीठा भी था। तो हमने तो भाई निपटा लिया है अपना, खा के पूरा। और लोनिशा को भी कुछ खास पसंद नहीं आया है, बट अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, भाई इतना फेमस इतने टाइम से चलता आ रहा है। तो हमको जाना था अरुण की शॉप पे, आपने सबने नाम तो सुना होगा अरुण वस्त्र भंडार, तो उसके लिए सुना था कि बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। तो हम बहुत जल्दी सुबह सुबह निकले थे, हमने यहाँ के ब्रेकफास्ट किया और अब लाइन में लगने के लिए आए हैं। एक तो चांदनी चौक की ना रोड्स, इतना फेमस मार्केट है दिल्ली का, और रोड्स अभी तक सुधरे नहीं है यहाँ के। तो खैर बारिश हो चुकी थी पहले एक दिन पहले, उसके बाद यहाँ पे इतना गंदा मुझे रोड्स मिली ना, एकदम साफ सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा मिली है। तो अरुण वस्त्र भंडार सामने दिख रहा है, अब हम लाइन में लग जाते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है सुबह जल्दी निकलने के बाद भी। अब पता नहीं अंदर जाके हमें कुछ मिलता है नहीं मिलता है, और लाइन में तो लगी जाते हैं, तो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक की लाइन लगी हुई है, इतनी सुबह सुबह उठ के लोग यहाँ आ जाते हैं, इतना क्रेज़ है अरुण वस्त्र भंडार का चांदनी चौक में। तो अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ इतनी भीड़ जा रही है, वो कैसे वीडियो बनाने देंगे ना। तो मैंने इतना ज़्यादा नाम सुना ना यहाँ का, आज तो देख के ही रहेंगे कि भाई ऐसा क्या बिकता है अंदर, भाई क्या है ऐसा जो लोग इतना क्रेज़ है लोगों के मन में। तो पता है हम उदास होकर वापस खाली हाथ आ जाते हैं अरुण वस्त्र भंडार से। ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन होगा इस पे, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। एक तो लोगों का एटीट्यूड भी ऐसा था कि नाम पे आएंगे ही आएंगे, चाहे हम जैसे भी उनको दिखा रहे हैं, वो अच्छे से दिखा भी नहीं रहे थे, और जो मुझे चाहिए थे शायद वो वहाँ पर था भी नहीं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं दौलत की चाट पर। दौलत की चाट मैंने कभी ट्राई नहीं की है, लेकिन सुना बहुत है कि चांदनी चौक में मिलती है, यहाँ की ये फेमस है। तो लोनिशा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक तो वैसे ही उसको स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है, ऊपर से ये कुछ ऐसा आया है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो लोनिशा को ये बहुत पसंद आ जाता है। और प्रीशा भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है इसको, मुझे भी ठीक लगा हाँ, लेकिन बहुत महंगा होता है, पता नहीं बनता कैसे होगा, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। प्रीशा भी इसको बहुत फुली इन्जॉय कर रही है, मीठा मीठा। और लोनिशा दोबारा से मंगाती है कि मुझे और खाना है, लोनिशा ने दो दो बार लिया। तो चांदनी चौक से मायूस होकर हम निकल ही रहे थे कि लाजपत नगर के लिए, कि यहाँ तो हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हम वहाँ पर ट्राई कर लेते एक बार। तो फिर हमें ये शॉप दिख जाती है और हमें यहाँ से पसंद आ जाता है, यहाँ पर हमारा ड्रेस स्टिच हो रहा है, आई मीन मेरा ड्रेस स्टिच हो रहा है। और अब लोनिशा का भी हमने यहाँ से ड्रेस लिया, प्रीशा का भी लिया, और लोनिशा ने अपना घर आके ट्राई किया, ये लहंगा लेके आई है यहाँ से, प्यारा लग रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।